हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल। माय सेल्फ परमेश्वर सिंह। क्लास, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन 8, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स, गो टू एंड इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन इल्स स्टेटमेंट, एंड इफ स्टेटमेंट, इल्स इफ विथ एंड इफ स्टेटमेंट, रीड डाटा स्टेटमेंट्स। Okay class, so let's start. BASIC was designed by Professor John Kemeny and Thomas Kurz in the year 1964. Means 1964 mein Professor Thomas Kemeny and John Kemeny and Thomas Kurz ke dwara BASIC language ko develop kiya gaya. It was basically designed for training the बिगिनर्स इन प्रोग्रामिंग। मीन्स इसको बिगिनर्स को प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बिगिनर्स मीन्स ऐसे व्यक्ति जो अभी प्रोग्रामिंग के फील्ड में न्यू हैं। लेटर ऑन इन 1985 बिल गेट्स एंड पॉल एलेन डेवलप क्यू बेसिक दैट वाज इंटेंडेड एज अ replacement of for GW basic। means बाद में 1985 में बिल गेट्स और पॉल एलेन ने क्यू बेसिक डेवलप किया और जिसका मकसद था GW basic को रिप्लेस करना। the basic क्यू बेसिक लैंग्वेज इज अ कंपाइलर बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज that uses Windows environment। means Windows environment में चलने वाली क्यू बेसिक लैंग्वेज एक कंपाइलर बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज है। बाद में इसके प्रीवियस वर्जन क्यू बेसिक 4.5 को इम्प्रूव करने के लिए इसका न्यू वर्जन आया, जिसका नाम था QB64, जो कि 24 अप्रैल 2013 को रिलीज हुआ। आप प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं लेट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट। ओके, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स का ओवरव्यू दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वे वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती हैं। कॉन्स्टेंट टू टाइप्स की होती हैं, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट और करेक्टर कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, इंटीजर कॉन्स्टेंट और रियल कॉन्स्टेंट। इंटीजर कॉन्स्टेंट में ऐसे नंबर्स आते हैं जो पॉजिटिव या निगेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। और रियल कॉन्स्टेंट में ऐसे नंबर्स आते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट जरूर होता है। करैक्टर कांस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगल करैक्टर कांस्टेंट और मल्टी करैक्टर कांस्टेंट। मल्टी करैक्टर कांस्टेंट को स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। सिंगल करैक्टर कांस्टेंट को मींस सिंगल करैक्टर कांस्टेंट में केवल एक ही सिंगल करैक्टर होता है और वह डबल कोट्स के अंदर होता है, जबकि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं डबल कोट्स के अंदर। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। कंप्यूटर की मेमोरी में किसी एक विशेष स्थान को एक विशेष नाम दे दिया जाता है, उसे कहते हैं वेरिएबल। ओके, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा टेम्पोरली। मीन्स वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी में किसी एक लोकेशन का नाम होता है जो डेटा को टेम्पोररी रूप से स्टोर करता है। प्रत्येक वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है, उसका टाइप होता है, उसकी साइज होती है, जिससे उसको प्रोग्राम में पहचाना जाता है। एक वेरिएबल एक बार में केवल एक ही डेटा को स्टोर कर सकता है और वेरिएबल का डाटा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होता है।
न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को स्टोर करते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल के नेम में कैरेट, क्वेश्चन मार्क, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, इस तरह के जो सिंबल्स हैं इनका यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नेम के रूप में। ओके, यहाँ पर वेरिएबल का एग्जांपल दिया है ए इक्वल टू फाइव, तो यहाँ पर ए वेरिएबल है, फाइव जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसको ए में असाइन किया गया है। स्ट्रिंग वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स को बनाते समय हमें ध्यान देना होता है कि उसके बाद हमें डॉलर साइन का यूज करना होता है। रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट्स, रेम स्टेटमेंट, रेम स्टेटमेंट का यूज किया जाता है प्रोग्राम में कमेंट ऐड करने के लिए, और जो कमेंट लाइन होती है उसे कंपाइलर चेक नहीं करता है। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है आउटपुट स्क्रीन पर टेक्स्ट नंबर या मैसेज को प्रिंट करने के लिए। CLS स्टेटमेंट का यूज किया जाता है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। लेट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए, और इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करने और एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जनरली जो प्रोग्राम होते हैं वे सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होते हैं, मींस पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, ओके, इस क्रम में एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग के दौरान प्रोग्राम बनाते समय हमें कभी इसकी आवश्यकता हो सकती है कि प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज करना पड़े, तो प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है। गो टू स्टेटमेंट, अ गो टू स्टेटमेंट इज रेफर्ड टू एज अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल। इट इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर इन अ प्रोग्राम। मीन्स गो टू का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ओके, अभी आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू वन, मीन्स वन को ए में असाइन किया गया है। फिर देखिए स्टार्ट को लेबल किया गया है, लेबल मीन्स स्टार्ट लिख करके उसके आगे कोलन लगा हुआ है, मीन्स वह लेबल हो गया। ओके, एंड बी इक्वल टू ए इंटू ए, फिर प्रिंट किया गया है बी को, फिर ए की वैल्यू में वन इंक्रीज कर दिया गया। फिर देखिए गो टू स्टार्ट, अब क्या होगा, गो टू स्टार्ट लिखने से कंट्रोल यहाँ तक आएगा और यहाँ के बाद फिर से कंट्रोल वापस होकर स्टार्ट के पास चला जाएगा। अब फिर से b इक्वल टू ए इंटू ए लाइन चलेगा, फिर प्रिंट लाइन चलेगी, फिर a की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर गो टू स्टार्ट आएगा और फिर से स्टार्ट पर कंट्रोल चला जाएगा, फिर से ए लाइन चलेगी। ओके, मीन्स यह ऐसा प्रोग्राम होगा जिसको रन करने पर यह प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। मीन्स इस तरह से एक इन्फिनिट लूप हो जाएगा जिसको जो कि कंटिन्यू चलता रहेगा और उसमें से एग्जिट होगा ही नहीं, और इन्फिनिट लूप को टर्मिनेट करने के लिए, उसको एंड करने के लिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक की प्रेस करना होता है। ओके, तो इसे हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। देखिए क्यू बेसिक मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने क्यू बेसिक ओपन कर लिया है, और इसमें हम प्रोग्राम को टाइप कर देते हैं। ओके, मैंने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है, इसे अब हम रन करते हैं। रन करने के लिए आपको कीबोर्ड से या F5 की प्रेस करना होता है। ओके, मैंने या F5 की प्रेस कर दिया है। ओके, देखिए इसका आउटपुट आ गया है जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है। ओके, ये कभी स्टॉप नहीं होगा। ओके, इसको स्टॉप करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक की आपको प्रेस करना है। ओके, मैंने प्रेस किया और एंड हो गया। ओके, यहां पर कुछ एग्जांपल दिया है डिसीजन के,
जैसे यदि आप मूवी के लिए प्लान कर रहे हैं तो अगर टिकट अवेलेबल होंगे तो आप जो है कि मूवी देखेंगे, और अगर टिकट सेकंड कंडीशन है, अगर टिकट अवेलेबल नहीं है तो आप जो कि रेस्टोरेंट में जाएंगे और यहाँ वहाँ पे भोजन करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा है कॉन्स्टेंट वर्सेस वेरिएबल। तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में यही डिफरेंस है कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है, जबकि वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। ओके, इफ स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट। ओके, इफ देन स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें एक कंडीशन होता है और यहाँ पे कंडीशन चेक होता है। यदि कंडीशन सही होता है तो देन के बाद जो स्टेटमेंट लिखा होता है वह एग्जीक्यूट होता है। ओके, और यदि यह कंडीशन रॉन्ग होता है तो देन के बाद जो स्टेटमेंट लिखा होता है वह एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके, और उस स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वह एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन देन के तुरंत बाद जो स्टेटमेंट लिखा होगा वह एग्जीक्यूट नहीं होगा यदि यह कंडीशन रॉन्ग हुआ तो। ओके, जैसे आप देखिए, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मीन्स अगर एक्स वाई से बड़ा होगा तब सी इक्वल टू सी प्लस वन, और यदि एक्स छोटा हो गया वाई से तो यह जो स्टेटमेंट है यह नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ओके, नेक्स्ट, इफ ए इक्वल टू क्लास 9। ओके, यदि ऐसा इसमें जो वैल्यू आएगी वह क्लास 9 आएगी तो ही यह स्टेटमेंट वर्क करेगा कि इनपुट नेम एज मार्क्स। ओके, नेम एन डॉलर वेरिएबल में आएगा और ई में इज आएगा और एम में मार्क्स आ जाएगा। ओके, तो इसकी इनपुटिंग कब होगी, जब यह कंडीशन ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ सी इज ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट सी। ओके, यदि सी की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो ही प्रिंट सी वर्क करेगा। ओके, देखिए यही कंडीशन है, इफ सी इक्वल टू 10। ओके, यदि सी 10 के इक्वल है तो ही गो टू स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, यहां देखिए प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। ओके, 1 to 5 तक नंबर्स को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम। ओके, तो बिल्कुल ही सिंपल प्रोग्राम है, इसे हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। ओके, तो मैं इस प्रोग्राम को क्यू बेसिक पर टाइप करता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, मैंने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है और इसे अब हम रन करते हैं, F5 की प्रेस करते हैं। ओके, ये देखिए इसका आउटपुट आ गया है। यहाँ पर हम टाइप करते हैं YESS और इंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपको प्रिंट हो गया है। ओके, और इसको हम एक बार फिर से रन करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम नो टाइप कर देते हैं, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि केवल इस कंडीशन के जस्ट बाद जो प्रिंट वन लिखा है वह प्रिंट नहीं हुआ है, मीन्स जब यह कंडीशन फॉल्स हुआ है। ओके, मीन्स जो वाई डॉलर है इसकी वैल्यू नो हम कर दिए हैं तो इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, जब ये फॉल्स हुआ तो उसके जस्ट बाद जो लाइन है वह प्रिंट नहीं होगी और बाकी सभी प्रिंट होंगे, और यदि यह कंडीशन सही होगा तो यह लाइन भी प्रिंट होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए हमने यहाँ पर नो टाइप किया है। ओके, मीन्स वाई डॉलर की जो वैल्यू है वो नो हो गई तो ये इक्वल नहीं है एस के, तो ये जो है कि कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये प्रिंट वन जो है वर्क नहीं करेगा और उसके बाद की जो लाइन है वो वर्क करेंगी। देखिए 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है बट वन प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम टू कंपेयर 2 नंबर्स। ओके, 2 नंबर्स को कंपेयर करने का प्रोग्राम है। ओके, इसे भी हम टाइप कर लेते हैं। ओके, मैंने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है, इंटर 2 नंबर्स, यहाँ पर 2 नंबर्स एंटर किए जाएंगे, यह उसकी वैल्यू n1 और n2 में स्टोर होगी, और यहाँ पर कंपेरिजन है, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2,
अगर एन वन बड़ा होगा एन टू से तो प्रिंट होगा ग्रेटर नंबर एन वन, ओके, और यदि एन वन लेस देन एन टू होगा तो प्रिंट होगा ग्रेटर नंबर एन टू, ओके, और यदि दोनों इक्वल होंगे तो प्रिंट होगा बोथ नंबर्स आर इक्वल, ओके। इसे अब हम रन करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें टू नंबर्स एंटर करने हैं, हमने एंटर किया 5, 9, ओके, देखिए ग्रेटर नंबर 9, देखिए यहाँ पर आ गया ग्रेटर नंबर 9, ओके ओके, सी नेक्स्ट प्रोग्राम। ये सब स्टेप्स दिया हुआ कि पहले क्लियर स्क्रीन होगा, फिर दो नंबर इनपुट होगा, फिर चेक होगा, ओके, तो यहाँ पर पूरा स्टेप्स दिया हुआ है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर डिपेंडिंग अपॉन यूजर्स चॉइस, ओके, मीन्स दो नंबर का यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, और एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा ये यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग होगा, ओके। मीन्स यहाँ देखिए सी एल एस है, फिर स्टार्ट है, फिर इनपुट टू नंबर्स ए और बी में दो वैल्यू स्टोर की जाएंगी, और फिर आपसे पूछा जाएगा एंटर वन फॉर एडिशन टू फॉर सब्ट्रैक्शन, ओके। यदि आप वन प्रेस करेंगे तो एडिशन होगा, टू प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, ओके। जो भी आपका चॉइस होगा वो सी एच में स्टोर हो जाएगा। यदि सी एच इक्वल टू वन होगा तो सी में ए प्लस बी हो जाएगा, ओके, और यदि आपका जो चॉइस है इक्वल टू टू होगा तो सी इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा, और फिर जाएगा प्रिंट सी। फिर आपसे इनपुट डू यू वांट टू एग्जिट, अगर आप एग्जिट चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वाई प्रेस करना है, यदि आप एग्जिट नहीं चाहते तो आपको नो प्रेस करना है, ओके, और यहाँ पे यदि आपका नो हुआ तो क्या होगा, देन गो टू स्टार्ट। यदि आप एन प्रेस करेंगे तो फिर से स्टार्ट पे चला जाएगा, और फिर से आपसे नंबर पूछा जाएगा, फिर से आपको चॉइस एंटर करना होगा, ओके, और फिर जब आप यहाँ पे यस करेंगे एग्जिट के लिए तो आप जो कि एंड पर आ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो कंडीशन है ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, ओके, तो आपका गो टू स्टार्ट जो है वो चलेगा ही नहीं, तो आप सीधे एंड पर आ जाएंगे और आपका यहाँ से प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ओके। तो इस प्रोग्राम को भी हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं, ओके, और इसे हम टाइप करते हैं, तब तक के लिए वीडियो को हम पॉज कर देते हैं, ओके। देखिए मैंने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है और अब हम इसे चेक करते हैं, ओके। रन करने के लिए आप यह F5 की प्रेस करिए, ओके, देखिए इसका आउटपुट आ गया है, और यहाँ पर हमें टू नंबर्स हमें एंटर करने हैं, 5, 6 हमने एंटर कर दिया, ओके, 5, 3 एंटर करते हैं या फिर 2, ओके, हमने एंटर प्रेस किया। आप एडिशन चाहते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन, तो हम 2 प्रेस करते हैं, सब्ट्रैक्शन चाहते हैं, हमने एंटर प्रेस किया, देखिए 3 प्रिंट हो गया, ओके। डू यू वांट टू एग्जिट, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप वाई प्रेस करिए, ओके, तो अभी हम एन प्रेस करते हैं क्योंकि हमें एग्जिट नहीं होना है, तो फिर से हमें टू नंबर्स एंटर करने के लिए बोल रहे हैं, तो कोई भी टू नंबर्स हम 3, 6 हमने एंटर किया, एंड अब इस बार मैं 1 प्रेस करता हूँ, और यहाँ देखिए एडिशन आ गया 3 + 6, 9, ओके, और यदि आप एग्जिट जाते हैं तो वाई प्रेस करिए, हमने वाई प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, देखिए प्रोग्राम से एग्जिट हो रहे हैं, ओके ओके। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।